आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि अमीर बनने के लिए अपनी लग्न के हिसाब से क्या उपाय करें। मेष से लेके मीन लग्न वालों को मैं बताऊँगी कि पैसे वाला बनने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोल दूँ, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, जो कि आपकी अपनी ज्योतिषी है। आपसे ये निवेदन करती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एक से एक बेहतरीन वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिनका मेष लग्न है उनको धनवान बनने के लिए शुक्रदेव की उपासना करनी चाहिए। शुक्रदेव की उपासना करने के लिए वो फ्राइडे का व्रत कर सकते हैं और फ्राइडे को खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए। आप जिस भी धर्म के हैं, इस दिन आप पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपका भाग्योदय होता है। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करने से आपको धनवान बनने में मदद मिलती है। आपका जो पैसे की दृष्टि से ही बता रही हूँ, इसको सिर्फ आपको पैसे के लिए ही प्रयोग करना है, वरना नहीं। आपको 6 जर्किन लेने हैं और 6 जर्किन अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो आपका धन की दृष्टि से एक बहुत ही बढ़िया समय चालू हो जाता है। इसके अलावा स्त्रियों का कभी अपमान ना करें। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वाले धनवान बनने के लिए गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों का दान करने से उनको धन के सोर्सेज बनते हैं। इसके अलावा वो एक पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। हरे गणेश जी की पूजा करने से भी उनके घर में धन के अथा सोर्स बनते हैं। इसके अलावा डायमंड या जर्किन धारण करना उनके लिए काफ़ी शुभ होता है। ये ना पहन सकें तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े, महिलाएँ पिंक कलर के कपड़े पहने, नेट वाले कपड़े, चिकनकारी वाले कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है आपके लिए। चांदी के बर्तन का प्रयोग करें किसी न किसी रूप में, चाहे पानी पिए उससे, चाहे दूध पिए, तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा शुक्रवार का व्रत आपके लिए काफ़ी लकी रहता है। शुक्रवार को आपको खटाई नहीं खानी चाहिए। मिथुन लग्न वाले पैसे वाला बनने के लिए सबसे पहले तो क्रिस्टल वाले सफ़ेद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का वो जाप करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक ओपल रत्न धारण कर लें। सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करें। सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से उनके घर में अथाह धन के भंडार भरने लगेंगे। शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करना भी आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। कर्क लग्न वाले पैसे वाला बनने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करें। संडे का फास्ट करें तो उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। एक तिकोना मूंगा तांबे में धारण कर लें, भाग्योदय होगा उससे आपका। लाल गणेश जी की पूजा करना भी आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। लाल और पीले रंग के वस्त्र आपके लिए काफ़ी उत्तम रहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वाले धनवान बनने के लिए पन्ना धारण कर लें। आदित्य हृदय स्रोत का डेली पाठ करें। संडे का व्रत कर लें जिसमें नमक ना खाएं तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। पर्पल, भगवा और ऑरेंज कलर आपके लिए काफ़ी लकी हैं। इनका जितना प्रयोग कर सकते हैं करें। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों को एक कटेला मिडिल फिंगर में धारण कर लेना चाहिए। धन के योग आपके बनने लगेंगे। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें, गाय की सेवा करें, शक्कर का दान करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फ्राइडे का फास्ट आपके लिए काफ़ी लकी रहता है। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें तो भाग्योदय आपका होगा और पैसा आपके पास आएगा। तुला लग्न वाले हनुमान जी की पूजा करें तो उनके पास धन आएगा। भगवान श्री राम जी की रेगुलर पूजा करें। आप अन्य धर्म के हैं तो किसी भी परमात्मा की आप पूजा करें, लेकिन मंगलवार के दिन आप बंदरों को गुड़ और चना, गुड़ तो बंदर शायद ना खाएं लेकिन चने जरूर वो खाते हैं, तो चने जरूर आप उनको खिलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होने लगेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वालों को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। केसर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए तो उनका भाग्योदय होगा और धन का योग उनकी कुंडली में बनता है। एक मोती और माणक की मिक्स वाली पेंडेंट पहन लें गले में तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वाले आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, हल्दी का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा पहने तो पैसे का योग आपकी कुंडली में बनता है। शनिवार को गरीबों को खाना खिलाएं, अमावस्या के दिन भी दान करें तो आप धनवान बनने के योग आपके बनते हैं। सूर्यदेव की उपासना करें। क्रीम कलर के कपड़े संडे को पहनें और रविवार का बिना नमक का व्रत करें तो फायदा होगा। अनाज भी नहीं खाना है संडे को, इस चीज़ का ध्यान रखें। मकर वालों को शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। चांदी के जेवर धारण करना चाहिए। चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। सिल्वर कलर के कपड़े आपके लिए काफ़ी लकी रहते हैं। शुक्रवार के दिन सिल्वर कलर के कपड़े पहने, शाइनिंग वाले, ग्लिटर वाले चीज़ों का प्रयोग करें तो आपका भाग्योदय होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ वालों को एक कटेला धारण कर लेना चाहिए। मिडिल फिंगर में चांदी की चैन गले में धारण करें। चांदी का कड़ा धारण करें तो आपका भाग्योदय होगा। अंगूठे में एक चांदी का छल्ला धारण कर लें। शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहने, फिरोजी कलर के कपड़े पहने, काले रंग के कपड़े पहने तो आपका भाग्योदय होगा। मीन लग्न वाले धन प्राप्ति के लिए मंगलदेव की उपासना करें। मंगलवार का व्रत करें तो उनको काफ़ी फायदा होता है। लाल गणेश जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, काली चीज़ों का और हरी चीज़ों का जितना दान करेंगे आपको उतना ही धनाढ्य बनने में मदद मिलेगी।